हाई स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट लेसन एट मेजर सिटीज़ ऑफ़ इंडिया तो स्टूडेंट्स मेजर सिटीज़ ऑफ़ इंडिया हमने कर लिया था आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज ए टिक करेक्ट आंसर्स एक्सरसाइज़ बी ट्रू एंड फॉल्स तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी समरी ज़रूर पढ़ लेते हैं क्योंकि समरी से ही रिलेटिव ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक द करेक्ट आंसर एंड मैचिंग होते हैं so number one chennai is a capital of tamil nadu kolkata situated the banks of river Hooghly, is the capital of west bengal now delhi is a capital of india bangalore is the capital of karnataka and is known as the city of gardens hyderabad or the city of pearls is a joint capital of andhra pradesh and telangana mumbai is a capital of maharashtra

स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज ए पेज नंबर फाइव ज़ीरो फिफ्टी नंबर वन मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ डैश सी कौन सी सी पे रेड सी ब्लैक सी या अरेबियन सी तो राइट right आंसर है सी अरेबियन सी मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ़ द अरेबियन सी नंबर टू स्नैक पार्क इज़ लोकेटेड इन मुंबई चेन्नई या कोलकाता ऑप्शन दिए हुए तो राइट right आंसर है नंबर बी चेन्नई नंबर थ्री है एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ लिव इन न्यू डेली मुंबई या चेन्नई तो कहाँ रहते हैं न्यू डेली राइट आंसर इज़ ए न्यू डेली नंबर सी गबन पार्क इज़ लोकेटेड इन बेंगलोर कोलकाता हैदराबाद तो राइट आंसर है ए बेंगलोर नंबर फाइव विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो किसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया डेली बेंगलोर या हैदराबाद तो राइट आंसर क्या है बेंगलोर नंबर सिक्स एंड लास्ट द करेक्ट आंसर विच सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉलीवुड ऑफ इंडिया तो आंसर बहुत ईजी है सबको मालूम है मुंबई आपका मुंबई डेली कोलकाता एंड मुंबई दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या है मुंबई तो बच्चों टिक करेक्ट आंसर फिनिश हो गए एक बार और कर लेते हैं मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ़ अरेबियन सी स्नेक पार्क इज़ लोकेटेड इन चेन्नई एम्बेजर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लिव इन न्यू डेली गबन पार्क इज लोकेटेड इन बेंगलोर नंबर फाइव विच सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिलकन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोरू नंबर सिक्स विच सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉलीवुड ऑफ इंडिया तो राइट right आंसर क्या है मुंबई इसके बाद बच्चों बी एक्सरसाइज देखिए राइट ट्रू और फॉल्स कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स तो अगर अगर ये कोलकाता है तो मुंबई किसकी है तो ये रॉन्ग है कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एफ एल एस सी फॉल्स नंबर टू दिया हुआ है मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे तो ये राइट है मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से ही जाना जाता था मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे इज़ द राइट आंसर ट्रू नंबर थ्री द गोल कोंडा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद तो ये भी आंसर क्या है आपका ट्रू है फिर देखते हैं नंबर फोर पे द रेड फोर्ट इज़ लोकेटेड इन न्यू डेली तो राइट right आंसर है ट्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन मुंबई तो ये फॉल्स है हाँ फाइव अरेंजमेंट आप फाइव स्टेटमेंट आपका फॉल्स है नंबर सिक्स द लोटस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन न्यू डेली ये राइट right आंसर है तो स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट आंसर्स हो गए ट्रू एंड फॉल्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं अगर हमारा कहीं लेफ्ट रह गया है तो उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले वीडियो के साथ हम बुक में करते हैं फिर उसको फेयर नोटबुक में करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो नंबर वन है कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेटमेंट इज़ फॉल्स नंबर वन फॉल्स है मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे ट्रू स्टेटमेंट है नंबर थ्री द गोलकोंडा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद ये भी ट्रू स्टेटमेंट है आपका नंबर फोर द रेड फोर्ट इज़ लोकेटेड इन न्यू डेली इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट ये भी आपका ट्रू है नंबर फाइव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई इज अ फॉल्स स्टेटमेंट नंबर सिक्स द लोटस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन न्यू डेली इज अ ट्रू आंसर्स तो स्टूडेंट्स आज हमारे ये टिक द करेक्ट आंसर्स राइट ट्रू और फॉल्स फिनिश हो गए नेक्स्ट वीडियो में मैचिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नो योर असाइनमेंट इज डू एट आपको टिक द करेक्ट आंसर राइट ट्रू एंड फॉल्स अपनी बुक में करने हैं देन टिक ट्रू फॉल्स को नोटबुक में करके मुझे उसका स्क्रीन भेजना है ओके स्टूडेंट आप ये वर्क करके मुझे सेंड करिए गुड बाय